हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आईआईटी की तरफ से ऑफिशियली रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। आज इसी के ऊपर बात करने वाला हो। आईआईटी में नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है एंड ऑलरेडी बहुत सारे कैंडिडेट जो है यहाँ पे एप्लीकेशन कर चुके हैं। अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, डेफिनेटली पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। एक एक करके आप लोगों को सारे जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन करना चाहते हो तो एक एक करके आप लोगों को सब कुछ बताऊँगा। तो यहाँ पे नॉन टीचिंग के जो स्टाफ के रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसमें 10th पास करके भी यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी एप्लीकेशन करना चाहते हो, जिसका लास्ट डेट दिया है 19th अप्रैल 2024 तक, आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं यहाँ पे, पहले तो आप लोगों को बताऊंगा कि कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर सकते हो, जो कि है मेडिकल ऑफिसर, स्टाफ नर्स, फिजियोथेरापिस्ट, फायर ऑफिसर, सिस्टम एनालाइज्ड, एप्लीकेशन एनालाइज्ड असिस्टेंट, स्पोर्ट्स ऑफिसर, जूनियर काउंसिलर, असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एंड इसके साथ साथ प्रोडक्शन असिस्टेंट, इसके अलावा असिस्टेंट कैटरिंग, हॉस्पिटलिटी असिस्टेंट, अकाउंट एंड ऑडिट ऑडिट असिस्टेंट, इन सारे पोस्ट के लिए आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो एंड एप्लीकेशन कर सकते हो। तो अगर आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर रहे हो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, जो नेशनल और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसका भी डिटेल आप लोगों को दिखाऊँगा। तो बेसिकली जितने भी कैंडिडेट एप्लीकेशन करना चाहते हैं उनके लिए मैं आप बताऊंगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बेसिकली आपको मेडिकल ऑफिसर के लिए लगेगा, MBBS क्वालिफाइड कैंडिडेट, स्टाफ नर्स के लिए GNM और BSc, फिजियोथेरापिस्ट के लिए फिजियोथेरापिस्ट बैचलर डिग्री, फायर ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री, सिस्टम एनालिस्ट के लिए बैचलर डिग्री, एप्लीकेशन एनालिस्ट के लिए बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर के लिए फिजिकल एजुकेशन क्वालिफाइड, जूनियर काउंसिलर के लिए फिर साइकोलॉजी एंड इसके साथ साथ असिस्टेंट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए मास्टर डिग्री चाहिए। इसके अलावा प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए भी क्वालिफिकेशन चाहिए, असिस्टेंट कैटरिंग के लिए बैचलर डिग्री, हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट के लिए बैचलर डिग्री, इन सारे पोस्ट के लिए इस तरह की क्वालिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए जो एज क्राइटेरिया हुआ है 18 से 45 ईयर्स तक आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन कर सकते हो एंड यहाँ पे आपको एज रिडक्शन भी मिल जाएगा अगर आप लोग एप्लीकेशन करना चाहते हो। यहाँ पे एप्लीकेशन करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, एज रिडक्शन या एज क्राइटेरिया कुछ इस तरह से रखा गया है अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो। एंड नॉन टीचिंग के इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करने के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका भी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपीज़, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ग्रुप बी एंड सी के लिए 200 रुपीज़, एससी एसटी पीएच ऑल फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं चाहिए। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, इसको भी ध्यान में आप लोग रखना होगा। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन मोड रखा गया है, तो इसीलिए अगर आप लोग एप्लीकेशन कर रहे हो, आपको ऑनलाइन में जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भेजना होगा। ऑनलाइन का लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, जहाँ से आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके भेज सकते हो। आईआईटी दिल्ली में नॉन टीचिंग के जो स्टाफ की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसमें एप्लीकेशन करने के लिए रिटर्न एग्ज़ाम, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्ज़ाम के ऊपर बेस करके आपको सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को एप्लीकेशन करने के तरीका जो है, उसका भी डिटेल मैं बता देता हूँ। आईआईटी दिल्ली के ऑफिशियल वेबसाइट में जाके यू कैन चेक आउट देयर ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, जिसमें जाके आप लोग आपका एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर। दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो, मैंने ओपन कर चुका हूँ ऑफिशियल
एप्लीकेशन के वेबसाइट, जिसमें आईआईटी दिल्ली रिक्रूटमेंट पोर्टल में ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आपको एप्लीकेशन करना होगा। एंड यहाँ पे आपको रजिस्टर यूज़र के ऊपर क्लिक करके एज ए न्यू यूज़र के लिए एप्लीकेशन करना होगा। पहले आपको यहाँ पे ईमेल आईडी भेज देना होगा एंड देन आपको जो है मेन एक जो है आपका रिक्रूटमेंट के ऊपर जो है इस ऑफिशियल ईमेल आईडी के अंदर आप लोगों को एक वेरिफिकेशन कोड दिया जाएगा, जिसको लेके आपको एप्लीकेशन करना होगा। तो यही था आज की वीडियो, अगर पसंद आया डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।